गीतराज जटायु ने आंख की पुतली हलाया और आंख से इशारा कर दिया और कहा, ले दक्षिण दिशी गए वो गोसाई, ले दक्षिण दिशी गए वो गोसाई, भगवान ने कहा, यूं बताओ जब रावण सीता को लिए जा रहा था तो सीता हंसती रहे कि रोती रहे, हमका यह बता दो, या बात जरूर जानकारी कह लो। जैसे हमार तुम्हारी बीबी कहूं चली जाए और हमारे समझ में आवे कि कोई लेह चला गा, तो अब शंका मन कि लेह चला गा कि वह चली गए, तो कोई जो मिले हो तो इससे यूं पूछ लो, क्या भैया हमार दुल्हन का भला चौराहे पर दिखा रहा है? हाँ दिखा तो रहा है। तो यूं बता दो भैया वह रुआवत रहे कि गावत रहे? तो यूं बता दे कि वह रुआवर रहे तो ढूंढो तो दम न लियो। अगर यूं बता दियो, अरे तो बता सा खाती ना ठेला पर ठाणी तो ढूंढे ना जाओ, ढूंढे जाइयो जितना वह बतासा खात रहे उतना तुमको खा ली, क्योंकि चक्कर में ना पर वह गए, वह राजा वंदिम गए, ओनम बात कह कह गए है वकील, उसके चक्कर ना पड़ो। कहाँ हाल भैया है ना, देखो है मेरे बंदो, देखो है दिल में दिल जुड़ा है, बात पूरी हो गई, पूरी बात हो चुकी है। भाई मेरे, भगवान ने पूछा कि राज जटायु ने कहा कि ले दक्षिण दिशी गए वो गोसाई, तो गीतराज जटायु ने कहा कि मैंने देखा था, मैं ऐसे नहीं उनके पीछे परेशान हो गया, बिलखे परी कुरेरी की नाई, बिलखे परी कुरेरी की नाई, चला गया। मेरे बंदों, भगवान ने जब जान लिया तुरंत गीतराज जटायु से कहा, चाचा अब क्या होना चाहिए? गीतराज जटायु बोला, बस प्रभु इसीलिए मैं जिंदा रहा और मैं अब यहां से विदाई ले रहा हूं। राम कहा तनु राखौ ताता, मन मुस्काई कही ते ही बात। देखो राम कहा तन राखव चाचा, ताता माने होते चाचा, राम कहा तन राखव ताता, मन मुस्काई कही ते ही बात। अच्छा कोई आदमी क्या जू निकरत होए, कोई आदमी मरत होए और उनके सामने ठाड़ हो और मुस्काए लागो, कहते यार मरव ना हो, मरव ना हो, ऐसा होली और ताप लियो और तीर मार लियो, निक लागी अच्छा लागी। यह तिर पर कबीर बाबा भजन गए कि एक गीत राज जटायु सीतक चक्कर पंख कटवा दीनेस, शरीर का सब खून बहा दीनेस, और वहन क्या पति राम कहा तनु राखौ ताता, और मन मुस्काई कही ते ही बाता। भगवान मुस्करा करके कहते हैं, यह तिर कहने कबीर बाबा कि करहिया जरी जाए रंडो की सही निकार, करहिया जरी जाए रंडो की सही निकार। राम कहा तन राखौ ताता, अर्थ और हो अर्थ और निकार अब तो असर है। राम कहा तनु राखौ ताता, मन मुस्काए कही ते ही बाता। भगवान मुस्करा करके क्यों कहा, अर्थ यू है भगवान मुस्कराए मेरे सरकार इसलिए कि दुनिया वाले लोगों जमन लो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो चाहे परेशानी हो,
लेकिन चेहरे पर सब दिन मुस्कान बनी रह चाहिए। चेहरा कभी उदास ना हो चाहिए, चेहरा कभी उदास ना हो चाहिए। आपके दुख का कारण निवारण हो जाएगा। और अगर दुख है, टेंशन है और आत्मा के ऊपर यह टेंशन उतर गए तो वह तेरे से हार्ट बीमारी भयंकर बन जाएगी। अच्छा राम जी यू कहे कहीं चाचा ना मरो, तो गीतराज जटायु बोला कब नहीं ना मरे। तो भगवान ने कहा कि गीतराज जटायु से कहा चाचा हमारी आज्ञा है कि मरो आप तब लगना जब तक हम सीता जी का पता न लगा पाए। क्यों? क्योंकि राम जी को मालूम है कि जब हम वन को चले आए हैं तो हमारे वियोग में हमारे पिताजी ने अंत कर लिया, हमारे वियोग में मेरे पिता ने प्राण छोड़ दिए और उनकी आत्मा वहां भटक रही। जैसे जेल है, डरावा कह रहे एक पकड़ बंद की जाए बारह बंक और एक बंद की जाए कोई गांव ले लियो तीन रे क्या बारह बंके में बंद हुई वो बंद हो आठ बैरियल नंबर में और हम बंद हो बारह नंबर बैरियल नंबर। तो जब मुलजिम मुलजिम इकट्ठा किए तो जान पहचान है, कहे भैया राम राम, कहे राम राम, कहे तुम की माँ है क्यों, कहे हम जय तरह कथा सुने दूसरे के मालू खुआ दे लगे ये हम पकड़ के हम कथा के याद ही नहीं गवा। कहें तुम कितना पकड़े गयो, कहें यार कुछ पूछो ना देखे न बिरवा लाग, हम कहें चलो हरसा ही बना लियो बिरवा काट रहे हम धकिया दिन गे अपन अपन दुख बतो कि नहीं बतो है। तो भगवान ने सोचा कि जब पिताजी मर गए हमरे चक्करम और यू मरेगा हमरे दुल्हन चक्करम, तो दोनों आत्माएं हुआ जब मिले हैं वो तहिया भाई भाई है तहुओ भाई भाई, तब पूछेंगे कैसे मर गए तुम। पिताजी पूछे कि यार हम तो मर गए लड़िकक भी होगम, आखिर तुमका कौन दिक्कत रहा, तुम तो 250 किलोमीटर ऊपर उड़ाते रहो, हुआ कौन एक्सीडेंट होएगा वहा, हुआ कौन ट्रेन निकलत रहा जो वहाँ एक्सीडेंट होएगा, तुम तो निश्चिंत रहो हैं। यू तो है ना कि वहाँ जाम में फंस गयो कूच डरे गयो, तब ये कहेगा साफ साफ कि तुम मर गयो लड़िकक चक्कर हम मर गए तुम्हारी पतवाग चक्कर। पुत्र वधू हरि गई तुम्हारी, पुत्र वधू हरि गई तुम्हारी, पुत्र वधू हरि गई तुम्हारी, गई तुम्हारी, गई तुम्हारी, सुनती पिताजी का हिया आराम नहीं मिली और हुआ आराम नहीं मिली। भगवान ने सोचा इनका एक काम करी तले हम रोक दे प्रभु के आई यहाँ उर्बाता और राम कहा तनु राखौताता, इसलिए आप प्राण ना छोड़ो। लेकिन गीतराज जटायु बोला प्रभु भला संभव है, जन्म जन्म मुनियत न कराही अंतराम कहियावत नाही, करत तपस्या अंग सुखाए, सुना है बाबा लोग तपस्या करत करत हड्डी हो गई माटी, शरीर हो गया बेकाम, लेकिन तुम दर्शन नहीं दे हो। करत तपस्या अंग सुखाए, तब हो नाथन सनमुख आए, अस्थिमात हो गए शरीरा, केवल हड्डियां बची, अस्थि माने हड्डी, खाली शरीर में यहाँ हड्डी बची, बाकी आस मास सब खत्म होगा। और तब हो तपस्या आ जाओ कह रहे महाराज, और हमारे कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे सामने हो और मैं तुम्हारी गोद में हूँ, भला मरूं और ना मेरा नरक मेरे को नरक हो जाए। और कहते हैं भैया कि अगर बड़े लड़का दो हों चार हों जय हों, अगर बड़े वाले लड़का की गोदी में बाप के प्राण निकल जाएं, बाप बड़े वाले लड़का की कन्या में खत्म हो जाए,
तो चाहे जिंदगी में अगरबत्ती ना लगे से हो, जिंदगी में अगरबत्ती ना लगे से हो, समझ लो बाप का बिल्कुल मोक्ष हो गया। यहां तक लिखा है कि चाहे दसमा पंचायती ना करो तब भी उद्धार हो गया। बड़ी बहू के गोद मां अगर सास के प्राण निकलें तो बहू बहुत भागशालिनी होती है। मेरे बंधु, सास का पूरा धर्म तो बड़ी बहू को प्राप्त हो जाएगा। कीधराज जटायु ने सोचा कि हम तो मर रहे अपने बड़े लड़का गोदियों, हम का ऐस काम ना करी। तो गीधराज जटायु भगवान से कहा जबरदस्ती अब हम प्राण छोड़ दे। गीधराज जटायु ने क्या किया, भगवान के गोदी में तुरंत प्राण त्याग दिया। और जब प्राण त्याग दिया तो भगवान ने सोचा अब इनका क्रियो कर्म करे पूरी। तो भगवान क्रिया कर्म सब कुछ किया, नौवा मिला नहीं रहे तो मुंडा बने कितना। आज देखो मुड़ना बनते है, मूड बनता है, मूड का है बनते है मालूम। अच्छा मरे के बाद खोपड़ी में कौन छूत घुस गए, ये मूड बनते है नहीं? यू मुड़ना का है बनते है, मुड़ना इके मा मूड इके मारे बनते हैं कि तीमा जाना जाए कि हाँ आताना इनके परिवार है। जतने मुंडा हो या लो घर के आए, और मुंडा ना हो तो घर के ना है। और नहीं जो जो रसूम हो कि छूत लाग गए हैं तो के भैया हमसे तुमसे तो कोई नेरे रोवे वाला रहा है, हम तुम तो दूर बैठ सड़क पर बीड़ी पिया के है ना है। और अम्मा लोग तो खूब बिंद बिंद रोई, कहीं इनका नहीं चाहे, इनको चाहे ना बनवा तो बीचे बीच बनवा डाला। इतनी क्या खाली थोड़ा है, किनारा किनारा रख दे, मेढ़हरा मेढ़हरा बीच बीच बनवा डाला कटिया भरे। तो इनके मनाए छूत लाग गए, हमारे छूत लाग गए, ऐसा है कि नहीं? लेकिन ईमा कमी है भाई, अगर हमारा तुम्हार मुंडा बनवावा जाते तो हम तुम देखे वाले रही जाते। और जो इनका कहूँ मुंडा बनवा दे और अंधेरे में कहूँ मिल जाए भेटा आ जाए तो तुम जान लो जिंदा ही मरी गादमी। कह दादा पर्यतिन नहीं जान लो तुम आज भलाए जिंदा मिली भलाए, कब कही तो नहीं है हमारा तुम्हारा मुंडा बन जा काम चल जाए। और इनका मुंडा हो जो हाँ धर दियो तो यो मान ली कि बंधा क्या खेत हुआ है कि दादा कहूँ गोभी में फांदी पर ना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की यह बात है। मेरे बंधो मैं आपको क्या बता रहा था, गीधराज जटायु जब प्राण त्याग दिया तो भगवान ने क्या किया, अपने हाथ से गीधराज जटायु की सब क्रिया कर्म किया और काज क्रिया करके भगवान चल पड़े। कहाँ चले मालूम, चली भे भक्ति दुवरिया हो हरि की लागी लगनिया, चली भे शब्द का उत्तर लेते चलो संगे। मैंने एक शब्द बोला था कि लोग छुआछूत से जो घृणा करते हैं अछूत कहते हैं, अछूत का शब्द सुन लो। भगवान को कहीं पर मदद ना मिली तो वह जो मावा मतंग ऋषि की बिटिया जात की पारसिन जिसका नाम लोग कहते थे सबरी, सबरी को बाबा मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया। अब भगवान चले हैं तो सोचा कहां चले, देखो आज गुरु की आज्ञा वाले भक्त के पास चल पड़े। सबरी कोई लड़की नहीं है, सबरी है भक्ति रूपी खुशबू। जी के शरीर में यहाँ खुशबू आ जाए भक्ति के, जी के शरीर में यहाँ भक्ति के खुशबू समा जाए, वही आदमी से जौन आदमी
बिरादरी की बात घृणा करता है कोई भर दुनिया में कोई मूर्ख आदमी नहीं। भक्ति उसके शरीर में जागृत है, भगवान जात के ठाकुर हैं और सबरी जात की पार्षद है। मेरे बंधु आज भगवान सबरी के आश्रम की तरफ बढ़ पड़े। सबरी बहुत प्रतीक्षा करती है, सारी सेवा करती है। 90 साल की हो गई जिसके सर के बाल सफेद हो गए। सबरी के आश्रम की तरफ भगवान बढ़े। अब देखो भैया यहाँ पर एक बात लक्ष्मण जी ने राम से पूछा, लक्ष्मण जी ने राम से पूछा क्या? लक्ष्मण जी भगवान से बोले भैया हम तुम्हारे साथ जंगल में क्यों आए? भगवान ने कहा हम का मालूम का है बदिया हो, हम जाने तो तुम सैर काटा आए हो। लक्ष्मण जी बोले भैया हम तुम्हारे साथ में यही बत के आए हैं कि हमका अपन तुम वहाँ भक्ति दे दो, जौनी भक्ति के यहाँ कई कई लोग धरती पर से तरी जात, हमका वहाँ भक्ति दे दो। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुमको हम अपनी भक्ति दे देंगे, तुमको हम वो भक्ति दे देंगे, लेकिन भक्ति द्यावे जब भक्ति लेकर काबिल हो आओ, परीक्षा ले, पहले परीक्षा ले। ए लड़का दुई हो तीन हो चार हो, पहले बाप परीक्षा लेता है कि कौने लड़का का यहाँ हम घर का मालिक बनाए, ऐसा तो नहीं वही का मालिक बना दे जो पी के सब बहाए दे। और यह परीक्षा छोटे है पर हो जात, लड़का का यहाँ दो पैसा 20 रुपया दो 50 रुपया दो, भैया सैफन पर से जाओ हरी धनिया टमाटर मिर्चा अदरक धनिया और यह सब ले आओ जाए। लड़का बाजारे जाए 20 रुपया कम लागे, 10 रुपया बचे, 2 रुपया बचे, 1 रुपया। जौन लड़का बिना कहे अपने बाप को हिसाब दे दे और बता दे पापा 1 रुपया कम पड़ गया है, तू दद्दू से न लेके तब धनिया लाए न, तो वो समझ ले आगे चल के घर का मालिक बने के काबिल है। और पता ला लड़का उन 500 की दे दो तो हजम, 100 की दे दो तो हजम, और 20 दे दो तो हजम, जौन दे दो तो हजम, वही का मालिक बने हो। हम कह दू का तुम घर दे दो तो घर हजम कह जी, तो ऐसे कहे मालिक का बने हो, हमने कहे लिखा है हो। ब्रह्मा ने परीक्षा लिया, जब ब्रह्मा ने 14 लड़का बनाया तो 14 लड़कन में ब्रह्मा ने मंथन किया, देखा विद विचार सब लायक, तब दक्ष कीन प्रजापति नायक। याक भैया रहे उनके लड़का रहे 3 ही, याक भैया रहे तो लड़का रहे उनके 3 ही। तो अब तीनों लड़का लड़ाई करें, वही कहे हमका मालिक बनाओ, वही कहे हमका बनाओ मालिक, वही कहे हमका चाहे चाभी। तो बाप ने सोचा आप कौन लड़का के हम मालिक बनाए, अब तीनों लफड़ा करें और तीनों लड़का हम रहे हैं। तो बाप ने एक 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 रुपया तीनों लड़कन दिया और कहा एक काम करो भैया, जौन लड़का 1 रुपया से ने पूरा घर भर दिया है वही का हम घर का मालिक बना दिया। तो एक कहला हम जाते हैं सैफर पर काब है चंगल ले मार भर दिया घर में, एक कहला कि यह चंगल ले हम जा भूसा खरीद, बड़कवा वाला चला गया चंगल खरीदे, मंझलका वाला भूसा खरीदे, वहाँ ऊपर भिट्ठा पर राम ने भेज तय करे ला काला भूसा लाओ भरा बा पूरा घर फूल कराओ। छटकवा वाला जब लड़का रहा है वो ना भूसा खरीदे न चंगल खरीदे। वो शाम कहे जब अंधेर हो लाग तो वो गवा तो 1 रुपया कर पूरा मोमबत्ती कर पैकेट उठा लावा, जब शाम हो गए तो वही चंगल ले बैठ वही भूसा भरे बैठ। अब वो कहा कही भैया या क्या मोमबत्ती सब कमर में लगा दीस, ई भरते रहे मेहनत से ने कमरा और वो बुद्धि से ने उजेरत भर दीस। बाप ने छोटे वाले लड़के का मालिक बना दिया, कहा भैया तुम है घर चले हो ये तो सब बन डाही, ये चुंगल खरीदत भूसा खरीदत तुम्हारे में रही बुद्धि, जो तुम बुद्धिमानी काम। आजकल समाज में यहाँ जौन आदमी बुद्धि चलता है ये सबसे बड़ी बुद्धि है। या जने ठार रहे कहें भैया भैंस बड़ी की बुद्धि, कहें भैंस बड़ी है 9 लीटर दूध देती बुद्धि कौन काम है? अरे भैंस तो बुद्धि से ले आओ कि थाना देख कर ले लिया हो, जितना मरे दिया दद्दू भैंस लाए थाना तने बड़े बड़े और दूध कहा देखा मंडल में नहीं देते, थानू देख कर ले आए हैं भैंस
है नहीं है तो बात भय कह चलो थानू थानू भाई झूलवा झूले भर तो थानू जाबो जा थानू काम लागी। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, तो बुद्धि बड़ी है मेरे बंदो, भैंस नहीं खे, भैंस नहीं खे बड़ा पानी, बुद्धि बड़ी। यह मत कहते हैं, लोग कहते हैं बाबा भीम, बाबा भीमराव अम्बेडकर के रे उमा बुद्ध भगवान के पूजा होती, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये कुछ लोग आवत है बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरे के रे विवेक से ना चलो, दूसरे का यहाँ देख के ना चलो, अपनी बुद्धि के शरण में चलो, अपने बुद्धि के काम में चलो, अपने बुद्धि के रे सवाल चलो, तुम खुद बुद्धिमान बनो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरे भाई मैं आगे क्या बता रहा था, तो हे भगवान ने कहा लक्ष्मण हम तुमको यह भक्ति दे दे, लेकिन पहले भगवान ने सोचा लक्ष्मण को बुद्धि दे, भला बुद्धि लायक है कि नहीं है। तो देखो भैया अब भगवान लक्ष्मण की परीक्षा करेंगे, आगे कहाँ परीक्षा करेंगे, भगवान सबरी के आश्रम चले और यहीं पर लक्ष्मण की परीक्षा होगी, बुद्धि लेने के काबिल हैं या नहीं हैं। तो अब लक्ष्मण जी जिस समय आगे बढ़े तो क्या देखा, सबरी खड़ी है, भगवान को आते देखा, आ सबरी देखी राम ग्रह आ।